Good morning, students. Welcome back. So students, in today's class we are going to discuss page number 38 and 39 of our book, chapter name Unique Animals. In this chapter we read some rare and amazing animals and birds. So without wasting any time, let's start. First question is, this large bird is found in Central and South America. It lives in lowland forest. ये एक large bird है, बड़ा पक्षी है जो Central और South America में पाया जाता है, वहां के lowland forests के अंदर. Its head and neck are bald and its skin color include red, purple, yellow and many more. इसका जो head और neck, यानी कि सर और जो गर्दन है वो bald. Bald means होता है गंजा हम बोलते हैं, यानी कि इसके सर पर और गर्दन पर बिल्कुल भी hair नहीं होते, बाल नहीं होते. और इसकी स्किन का जो कलर है वो कई अलग अलग कलर्स में होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेड, पर्पल, येलो और मैनी मोर, और कई सारे कलर होते हैं. इट हैज ए डार्क ग्रे और ब्लैक रफ एंड मोस्टली व्हाइट फैदर. इट हैज ए नोटिसेबल फ्लैशी वेटल ऑन इट्स बीक. इसकी जो फैदर यानी कि इसकी जो पंखे हैं, इसके पंख जो हैं, यानी जिसको विंग्स बोलते हैं, या शरीर पर जो फैदर होता है, जो पंख के ऊपर का जो कलर होता है वो हमारा व्हाइट कलर होता है. सो द नेम ऑफ द बर्ड इज, और आंसर इज किंग वल्चर. ओके, किंग वल्चर, VULTURE. ओके, नेक्स्ट, दीज अफ्रीकन बर्ड्स हंट ऑन द ग्राउंड, ऑफन टैकलिंग पॉइजनस स्नेक्स. ये अफ्रीकन बर्ड्स हैं जो अपना शिकार ग्राउंड पर ही करते हैं. ओके, ऑफन टैकलिंग पॉइजनस स्नेक्स, और ये जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, सांप जो होते हैं, उनको ट्रैक करती हैं, उनका शिकार करती हैं. द स्नेक इज हेल्ड डाउन विद वन ऑफ द बर्ड्स फीट पोजिशनड जस्ट बिहाइंड द विक्टिम्स हेड एंड मे बी बैटर्ड टू डेथ जस्ट फ्रॉम ए ब्लो ऑफ द बर्ड्स विंग. देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये अफ्रीकन बर्ड है. ओके, ये स्नेक को टारगेट करती है, यानी कि उसका पीछा करती है, और जब स्नेक जो है इनके बर्ड के जो फिट है पैर के नीचे पूरी तरह से पोजिशन में आ जाता है, तो ये अपना उस पर अपने पंजे से उसको पकड़ लेती है, और अपने पंखों के एक ही प्रहार से, एक ही ब्लो से, जस्ट फ्रॉम वन ब्लो, वो स्नेक को पूरी तरह से खत्म कर देती है, मार देती है. मे बी बेटर टू डेथ. ओके, सो द नेम ऑफ द बर्ड इज सेक्रेटरी बर्ड. ओके, सेक्रेटरी बर्ड. नेक्स्ट, दिस ह्यूज बैट फीड्स ऑन फ्रूट्स, प्लांट्स एंड नेक्टर. ये एक बड़ा बैट है जो फ्रूट्स को, प्लांट्स को और नेक्टर, नेक्टर यानी कि शहद, मधु हम जिसको बोलते हैं, उसको खाता है. इट इज नॉन फॉर बींग वन ऑफ द लार्जेस्ट बैट, और ये हम जितने भी बैट्स के बारे में जानते हैं उनमें से ये सबसे बड़ा बैट है. लाइक द अदर बैट्स फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड बैट फैमिली, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू इकोलोकेट. और दुनिया में जैसे आप, एज यू ऑल नो, हम सबको पता है कि बैट्स के अंदर इकोलोकेशन की जो टेक्निक है उनके पास, ये होती है, लेकिन ये जो बैट है ये बाकी बैट फैमिली से अलग है, इसके पास इकोलोकेशन की एबिलिटी नहीं होती. सो द नेम ऑफ द बैट इज मलेशियन फ्लाइंग फॉक्स. ओके, मलेशियन फ्लाइंग फॉक्स. नेक्स्ट, ओनली द मेल स्पेसिमेन ऑफ दिस एनिमल, ऑफ दिस स्मॉल टूथ व्हेल फाउंड अलोंग कोस्ट एंड इन रिवर्स थ्रू आउट द आर्कटिक. ये जो व्हेल है ये केवल इसके मेल स्पेसिमेन ही पाए जाते हैं ज्यादा, यानी कि जेंडर की फॉर्म में, यानी कि मेल स्पेसिमेन ही इस व्हेल के ज्यादा पाए जाते हैं आर्कटिक ओशियन के तट पर. पोसेसेस ए लॉन्ग स्ट्रेट टस्क दैट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम अबव द माउथ. और इसके पास एक स्ट्रेट टस्क निकला होता है इसके मुंह से सामने की तरफ. अब देखिए यहां पर टस्क एक वर्ड आया है, टस्क मींस हाथी दांत. जैसे हाथी के, एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो काफी हमें बाहर तक लंबे दिखाई देते हैं, इसका भी एक दांत जो है, एक टस्क जो है, वो इसके मुंह से सामने की तरफ बाहर निकला होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में यहां पर दिख भी रहा होगा. ओके, दिस स्पाइरलिंग टस्क इज एक्चुअली ए टूथ. और ये स्पाइरलिंग टस्क जो है ये वास्तव में इसका एक दांत ही होता है. ओके, सो द नेम ऑफ दिस एनिमल इज नरवाल, NARWHAL, नरवाल. ओके, नरवाल. नेक्स्ट, दिस एक्सट्रीमली रेयर वाइल्ड ऑक्स फ्रॉम एशिया वॉज अननोन टू साइंस अंटिल 1937. एक्सट्रीमली रेयर, बड़ी मुश्किल से पाए जाने वाला ये वाइल्ड ऑक्स है जो एशिया के में मिलता है, जिसके बारे में लोग या साइंटिस्ट 1937 से पहले कुछ भी नहीं जानते थे, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है.
प्रेजेंटली इट इज कंसिडर्ड अमंगस्ट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स पॉसिबली एक्सटिंक्ट. और प्रेजेंटली अभी ऐसा माना जाता है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुके हैं उस कैटेगरी में डाला गया. आपने साइंस में पढ़ा होगा एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, एक्सटिंक्शन स्पीसीज होते हैं. सो इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में डाला गया है. इट वॉज लास्ट साइटेड इन 1969-1970. और इसको अंतिम बार लास्ट बार कब देखा गया था, 1969 या 1970 में. सो द नेम ऑफ दिस ऑक्स इज कॉपरे, KOUPREY, कॉपरे. ओके, नेक्स्ट. Native to Africa and Asia, these cat-like mammals have a scent gland that secrete a greasy substance. ये जो एक cat-like mammals है जो Africa और Asia के अंदर पाया जाता है, और इसके पास एक scent gland होता है. जैसा कि आपने science में पढ़ा है हमने कि endocrine glands होते हैं, endocrine और exocrine glands होते हैं, ठीक है. So इसके पास एक ऐसा scent gland होता है जो एक greasy substance को secrete करता है, which they spray trees and the ground to mark their territory. ये जो मैमल है ये इस ग्रीसी सब्सटेंस को ट्रीज पर या ग्राउंड पर स्प्रे करता है कि जिससे कि वो अपनी टेरिटरी को, अपने इलाके को आसानी से मार्क कर सके. ओके, इट्स 10 o'clock. दे आर ऑफन कैप्चर्ड एंड मिल्क्ड फॉर द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज ए फिक्सेटिव फॉर परफ्यूम. और इस एनिमल को आमतौर पर पकड़ लिया जाता है, लोग इसको कैप्चर कर लेते हैं, ऐसा सब्सटेंस इससे प्रोड्यूस होता है, ऐसा सब्सटेंस इससे मिलता है जो परफ्यूम में यूज होता है. ओके, सो द नेम ऑफ दिस मैमल इज सीवेट, CIVET. ओके, सीवेट. नेक्स्ट टिटबिट्स. इन 1976 ए रेयर न्यू शार्क वॉज डिस्कवर्ड, द मेगा माउथ. 1976 के अंदर एक नई शार्क मिली थी जिसका नाम रखा गया मेगा माउथ. Only a few megamouths have been found so far and therefore very little is known about them. अब तक केवल बहुत ही कम, a few megamouths मिली हैं और उनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं. It is believed that it swims with its mouth open and preys on its victims by trapping them in its huge luminous mouth. It lives in deep tropical water. ऐसा माना जाता है, ऐसा believe किया जाता है कि ये जब swim करती है तो ये अपना मुंह खोल कर भी swim कर सकती हैं और अपने प्रे यानी अपने शिकार को अपने मुंह में निगल जाती हैं. इट लिव्स इन डीप ट्रॉपिकल वाटर और ये डीप ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती हैं. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमें अलोंग विद देयर थ्री ऑप्शंस, सो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. Which animal is known for standing on one leg for long duration? इन तीनों में से कौन सा ऐसा एनिमल है जो काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए अपने एक ही पैर पर खड़ा रह सकता है? So the answer is flamingo. Okay, flamingo. Next, which animal is the only flying mammal? Only flying mammal is bat. Okay, the answer is bat. Next, question number 3. Which of these animals have eyes that appear to glow red in the dark? इन तीनों में से कौन सा एनिमल है जिसकी आंखें डार्क यानी अंधेरे में आंखें जो है वो रेड हो जाती है, यानी कि लाल आंखें चमकने लगती है अंधेरे में. सो द आंसर इज लेमूर. लेमूर मींस बंदर. ओके, नेक्स्ट. विच बैम्बू ईटिंग बियर हैज ए बेबी दैट मे वे लेस देन एन एप्पल. ऐसा कौन सा बैम्बू ईटिंग बियर है जिसके बेबी का वजन एक एप्पल से भी कम होता है? ओके, सो द आंसर इज जाइंट पांडा. ओके, जाइंट पांडा. नेक्स्ट, विच बर्ड कैन फ्लाई स्ट्रेट अप डाउन एंड बैकवर्ड. कौन सी ऐसी बर्ड है जो नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी यानी अपने पीछे भी उड़ सकती है? सो द आंसर इज एज वी ऑल नो हमिंग बर्ड. ओके, हमिंग बर्ड. टिटबिट्स. डिस्कवर्ड इन द लोमामी बेसिन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द लेशुला मंकी वॉज द सेकेंड न्यू स्पीसीज ऑफ मंकी फाउंड इन अफ्रीका ओवर द लास्ट 28 years. लोमामी बेसिन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके लोमामी बेसिन में लेशुला मंकी पाया गया है. एक अलग स्पीसीज पाई गई है मंकी की अफ्रीका के अंदर, यह है जो पिछले 28 सालों में दूसरी एक अलग तरह की स्पीसीज पाई गई है मंकी की, जिसको नाम दिया गया है लेशुला. यानी कि पिछले 28 सालों में पाई जाने वाली
बंदरों की ये दूसरी प्रजाति है जिसका नाम है लेसोथा. ओके, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं, हमें इन पिक्चर्स को देखकर एनिमल्स के नाम फाइंड आउट करने हैं. सो द फर्स्ट इज, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ कोमोडो ड्रैगन. ओके, कोमोडो ड्रैगन, राइट. नेक्स्ट, द सेकंड पिक्चर इज ऑफ हिमालयन मरमॉट. ओके, हिमालयन मरमॉट. नेक्स्ट, द थर्ड पिक्चर इज ऑफ हॉइट्जिन, HOATZIN, हॉइट्जिन. ओके, नेक्स्ट, द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ स्किंक, SKINK, स्किंक. ओके, नेक्स्ट, द फिफ्थ पिक्चर, द फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ स्टिक इंसेक्ट्स. ठीक है, लकड़ी की जैसा ही एक इंसेक्ट होता है जो बिल्कुल स्टिक की तरह दिखाई देता है, स्टिक इंसेक्ट्स. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ गोल्डन लॉयल मर्मोसेट. ओके, गोल्डन लॉयल मर्मोसेट. ओके, एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ एम्परर पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन. ओके, नेक्स्ट टिटबिट्स, हनीपॉट आंट्स आर आंट्स विच आर फोर्स फेड नेक्टर बाय द वर्कर्स अंटिल देयर बॉडीज स्वेल अप. हनीपॉट आंट्स जो होती है, चींटियां जो होती है, वो ऐसी चींटियां होती है जो जबरदस्ती फोर्सफुली नेक्टर यानी कि मधु को, शहद को वो खाती है जब तक कि उनकी बॉडी पूरी तरह से स्वेलो ना हो जाए, सूज ना जाए. देन द वर्कर्स हैंग देम बाय देयर फ्रंट लेग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द नेस्ट टू एक्ट एज ए लिविंग हनी जार्स. और उसके बाद उनके जो वर्कर्स होते हैं वो उनके फ्रंट लेग को नेस्ट में दीवार पर टांग देते हैं ताकि वो एक लिविंग जार की तरह, लिविंग हनी जार की तरह दिखे. ये ऐसा क्यों करते हैं कि हनीपॉट आंट्स जो होती है वो खाना जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर करती हैं ताकि जब खाने की कमी हो तब वो इस हनी को, इस खाने को वो यूज कर सकें. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश अवर पेज नंबर 38 एंड 39, चैप्टर नेम यूनिक एनिमल्स. रीड इट वेरी केयरफुली एंड लर्न द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. ओके, बाय बाय, टेक केयर.